ये है मनम्बोवो नदी। यहाँ रहने वालों को पानी के लिए नदी खोदनी पड़ती है। इन्हीं में से एक हैं 70 वर्षीय लिफराय। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब सब कुछ बस सूखा सूखा सा है, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं होती है। लिफराय और उनका परिवार आमतौर पर खेती के लिए बारिश पर निर्भर रहता है, लेकिन बारिश आना बंद हो गया है और उनके गांव में पानी खत्म हो गया। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा शहर जाने के अलावा। ये एक छोटा घर है, लेकिन हम इसी का किराया दे सकते हैं। ये हमारा नहीं है, हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर गांव में है, लेकिन हम यहाँ आए ताकि पानी मिल सके। हम अपने बच्चे भी साथ लाए हैं, ये लोग पानी ढोने का काम करते हैं। लिफराय अपने परिवार के लिए खाना तक नहीं खरीद सकती, इसीलिए वो गर्मी में भटकती रहती हैं कैक्टस के फल खोजने के खातिर। मेरे हाथों को देखिए, ये सारे कांटे देखिए, इन्हें चुनने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। मैं घर पर पड़ी तो नहीं रह सकती ना, मैं यहाँ आती हूँ कुछ खाने और कुछ घर ले जाने के लिए। दक्षिणी मेडागास्कर में भयंकर सूखा पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे जलवायु परिवर्तन की वजह से आया दुनिया का पहला अकाल कहा है। वनों की कटाई और आबादी बढ़ने के कारण और पश्चिम की कार्बन से भरपूर जीवन शैली के कारण लिफराय कहती हैं कि भविष्य के बारे में उम्मीद लगाने का उनके पास समय नहीं है। उनका ध्यान तो खाना और पानी खोजने पर है। वो कहती हैं बारिश को आना ही होगा।